क्या आप जानते हैं कि जब समुद्र में तूफान आता है तो इतनी बड़ी बड़ी समुद्री लहरें उड़ती हैं, और अगर इन लहरों के सामने कोई भी चीज आती है तो उस चीज का बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। पर ये ऑयल रिग्स कैसे टिक जाती है, चलिए दोस्तों जानते हैं। तो दरअसल होता क्या है कि जो ऑयल रिग्स होती है वो बड़े बड़े बैलेंस टैंक्स के ऊपर बनाई जाती है, और इन बैलेंस टैंक्स में वाटर को फिल किया जाता है जिसके कारण की ये पानी के नीचे चले जाते हैं, और ऐसा करने से ऑयल रिग की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण की ऑयल रिग को और भी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। और यही कारण है कि ऑयल रिग्स इतनी बड़ी बड़ी तूफानी लहरों में भी टिकी रहती है। एंड ऐसी ही गजब की जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।